हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। होश न उनको था और ना ही हमें, आजादी भी मिली संविधान भी बना, कई सरकारें आई और कई चली भी गईं, लेकिन किसी ने उसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की जिसने हमारी इस आजादी के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। कोई कहता है कि उनकी मौत प्लेन क्रैश होने से हुई है, तो कईयों का कहना है कि उनकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन इसे किस्मत का ही खेल कहा जाए या फिर उनकी बदकिस्मती, अभी तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भगत सिंह की फांसी रुकवाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वह अंग्रेजों से किया अपना वादा तोड़ दें, लेकिन वह भगत सिंह को बचाने में नाकाम रहे। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। उन्होंने अपने पिता की यह इच्छा पूरी की। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने 4th स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1933 में उन्हें देश निकाला दे दिया। 1934 में पिताजी की मृत्यु पर तथा 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस दो बार भारत आए, मगर दोनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस देश से बाहर भेज दिया। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने उन्हें चुना था। गांधी जी तथा उनके सहयोगियों के व्यवहार से दुखी होकर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। एक समय ऐसा था जब लोह पुरुष सरदार पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मामूली संपत्ति के लिए मुकदमा किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह केवल गांधी के सम्मान में सुभाष को नीचा दिखाना चाहते थे। अपने जीवन काल में नेताजी को कुल 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। आखिरी बार 1941 को उन्हें कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी अपने घर से भागकर जर्मन चले गए और हिटलर से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहने वाला पहला शख्स एडोल्फ हिटलर ही था। सुभाष चंद्र बोस 1934 में अपना इलाज करवाने ऑस्ट्रिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक एमिली साइकिल नाम की टाइपिस्ट महिला से हुई। नेताजी इस महिला से अपनी किताब टाइप करवाने के लिए मिले थे। इसके बाद नेताजी ने 1942 में इस महिला से शादी कर ली। नेताजी ने दुनिया की पहली महिला फौज का गठन किया था। नेताजी की मौत के संबंध में अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताई होकू एयरपोर्ट पर उनके विमान के क्रैश होने पर हुई थी। हालांकि इस बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक आम लोगों के लिए जारी नहीं की गई है। ये तथ्य आज भी फाइलों में दफन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन ये बाद में वापस ले लिया। यह बात शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि नेताजी की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में एक पुजारी ने आज भी संभाल कर रखी हुई हैं। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। पोर्न देखना क्यों है धरती के लिए बड़ा खतरा? ऑनलाइन पोर्न देखना धरती के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की स्ट्रीमिंग से यूरोप के देश बेल्जियम के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बेल्जियम जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही CO2 ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की स्ट्रीमिंग से निकल रहा है। यह बात फ्रांस के थिंक टैंक द शिफ्ट प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट में कही गई है। इस साल की शुरुआत में द शिफ्ट प्रोजेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाते हुए कहा था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 4% पैदा करता है और यह आंकड़ा साल 2025 तक बढ़कर 8% तक हो जाएगा। ऑनलाइन वीडियो से कार्बन एमिशन। इस बार इस थिंक टैंक ने केवल ऑनलाइन वीडियो से होने वाले कार्बन एमिशन का अनुमान लगाया है। इसके लिए रिसर्चर्स ने फोन और टीवी से लेकर दूसरे डिवाइसेस तक इस वीडियो डेटा को पहुंचाने में लगने वाली बिजली को अनुमानित किया है। इसके बाद इन लोगों में कुल उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से होने वाले कार्बन एमिशन का ग्लोबल एवरेज निकाला।
हर साल हो रही है वृद्धि। रिसर्च का नेतृत्व करने वाले कंप्यूटर मॉडलिंग के जानकार इंजीनियर मैक्स एफुहेम्स ने जाना कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाली एनर्जी कंजप्शन में सालाना 9% की वृद्धि हुई है और दुनिया भर के डेटा फॉलो का 60% ऑनलाइन वीडियो से आता है। इस रिपोर्ट में शामिल किए गए वीडियो में स्काइप और इसके जैसे दूसरे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को अलग रखा गया था। इसको शामिल करने से वर्ल्ड डाटा फ्लो 60% से बढ़कर 80% हो जाता है। हाई रेजुलेशन कंटेंट से नुकसान। 8K रेजुलेशन और दूसरे हाई क्वालिटी वाले वीडियो आने से कार्बन एमिशन में और बढ़त होने की संभावना है। वहीं गूगल स्टेडिया जैसे गेम स्ट्रीमिंग सर्विस भी हालत को और खराब करने का ही काम करेंगे। करने होंगे कुछ उपाय। द शिफ्ट प्रोजेक्ट ने इस एमिशन को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि ऑनलाइन वीडियोज के ऑटो प्ले को बंद रखना चाहिए और जब जरूरी हो तभी HD क्वालिटी के वीडियोज को ट्रांसमिट किया जाए। उदाहरण के तौर पर आज के समय के कुछ डिवाइस ऐसे हैं इंसानी जरूरत से ज्यादा हाई रेजुलेशन डिस्प्ले देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए नियम बनाना जरूरी है। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह के बारे में। वीपी सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के बाद जनता दल को चुनाव में जीत हासिल हुई और इस तरह 1989 में वीपी सिंह सत्ता के उच्च पद पर आसीन हुए। इनका रुझान राजनीति की तरफ हमेशा से ही था जिसके लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किए। एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की निचली जातियों की हालत में सुधार के लिए वीपी सिंह ने कठिन परिश्रम किया था। इन्होंने 1989 में भारत देश की राजनीति में अविस्मरणीय बदलाव कर दिए। वीपी सिंह ने दलित व निचली जाति के लोगों को चुनावी राजनीति में आने का मौका दिया। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। इनका जन्म 25 जून 1931 में इलाहाबाद के जमींदार परिवार में हुआ था। इनके असली पिता का नाम रजा भगवती प्रसाद सिंह था। 1936 में वीपी सिंह को मांडवा के राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के द्वारा गोद ले लिया गया था। 1941 में राजा बहादुर राय की मौत के बाद वीपी सिंह को मांडवा का 41वां राजा बहादुर बना दिया गया था। वीपी सिंह की पढ़ाई की शुरुआत देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी। आगे का अध्ययन इलाहाबाद से पूरा किया। फिर इसके बाद पूना में पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई के समय से ही इन्हें राजनीति में रुझान रहा। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के ये स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। वीपी सिंह को कविता लिखने का काफी शौक था इसलिए इन्होंने कई किताबें भी लिखी। वीपी सिंह ने छात्र काल में बहुत से आंदोलन किए और इनका नेतृत्व भी संभाला इसलिए इनका सत्ता के प्रति प्रेम बढ़ता गया। यह एक समृद्ध परिवार से और इन्हें दौलत से इतना प्रेम नहीं था। देश प्रेम के चलते इन्होंने भूदान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और परिवार ने इनसे नाता तोड़ दिया। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद छवि कुछ खास नहीं रही। इनमें दूरदर्शिता एवं धैर्यता की कमी थी जिस कारण देश की कश्मीर समस्या ने और अधिक तीव्रता का रूप ले लिया। वीपी सिंह के गलत निर्णयों के कारण देश में जातिवाद और अधिक गंभीर हो गया। एक सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए इन्होंने आरक्षण को और अधिक बढ़ावा दे दिया जिससे देश में असंतोष उत्पन्न हो गया। आरक्षण के कारण युवा वर्ग में बहुत असंतोष बढ़ गया जिसके कारण युवकों ने आत्महत्या को स्वीकार कर लिया। वीपी सिंह का कार्यकाल सराहनीय नहीं रहा। इनमें नेतृत्व की शक्ति की कमी थी। वीपी सिंह को एकजुटता में कार्य करना स्वीकार नहीं था जिस कारण इन्हें स्वार्थी कहा गया। वीपी सिंह अपनी व्यक्तिगत सफलता पर अधिक जोर देते थे इसलिए वे असफल लीडर साबित हुए। वीपी सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक ही था पर इतने ही दिनों में इन्होंने भारत की स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया था। इन दिनों देश में बाहरी लोगों से काफी दहशत थी। आतंकी हमले बढ़ रहे थे जो कि बहुत बड़ी हार थी। उस नाजुक दौर में एक सफल राजनीतिज्ञ की आवश्यकता थी परंतु वीपी सिंह भारत देश को सफल राजनीति नहीं दे पाए। उनका दौर और भी कष्टप्रद रहा। इन्होंने देश में और अधिक कंपन उत्पन्न कर दिया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।